कितने इन्होंने चालान पेश कर दिए, कितनी दलित एट्रोसिटीज के अंदर हुई है, और जो दलित महिलाएं थी उनमें कितने परिवारों को इन लोगों ने राहत दी, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। ये हालत इनकी है, अध्यक्ष जी इनको बचाते हैं, सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा जो बहुत ही गंभीर मामला है, जो हमारे जनजातीय क्षेत्रीय मंत्री हैं उनके इलाके से जुड़ा हुआ मामला है, जहां छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, कोख में बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, उस क्वेश्चन से भी सरकार बस्ती नजर आई। जब से मामला ध्यान में आया है उसके बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन इसके अंदर नहीं लिया गया। मानव अधिकार आयोग ने ही इसके अंदर प्रसंज्ञान लिया है और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का कोई बयान, कोई दौरा, कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग राजस्थान के आम आवाम की जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संकट झेल रहे हैं, उस पे बोलना नहीं चाहते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि आज बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर के अंदर बिजली नहीं आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप तो हमारे समय में हमारी सरकार पे लगाए कि इनकी सरकार के समय के जो लगे हुए अधिकारी हैं उनकी वजह से लाइट नहीं आ रही, लेकिन जब उनने बात कही उसके बाद सदन के एक एक विधायक ने इसे अपनी क्षेत्र की भी समस्या बताई। खुद अध्यक्ष जी ने अजमेर में लाइट की हालत खराब होने की बात कही तो क्या पूरे राजस्थान में हमारे रिश्तेदार लगे हुए हैं जो बिजली नहीं दे रहे हैं? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, बिजली के सारे आंकड़े ऑनलाइन रहते हैं, किस जीएसएस पे कितनी बिजली गई है वो सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, इनसे वो आंकड़े मंत्री महोदय से, इस सरकार से लें और उसको उजागर करें कि राजस्थान में आज के समय में कितनी बिजली ये जनता को दे पा रहे हैं, किन हालातों के अंदर एक गरीब व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस प्रकार से इस भयंकर गर्मी में गांव के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहूंगा।